जाफर खान, वेलकम करता हूँ आपका द एक्सोटिक बर्ड्स किंगडम में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, फिटफाट होंगे, खुश होंगे और आपके बर्ड्स भी जो है वो बिल्कुल बेहतर होंगे, फिटफाट होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज तो मैं किसी दवा के बारे में नहीं बताने जा रहा है, किसी मल्टीविटामिन के बारे में नहीं बताने जा रहा है, ना किसी सॉफ्ट फूड के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज जो है मैं आप लोगों को जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। कौन सा बर्ड कहाँ से आया और कौन सी म्यूटेशन कहाँ से आई है। तो बिल्कुल आप लोग आज बोर नहीं होने वाले हमसे, इंशाल्लाह बिल्कुल बड़ा मजा आने वाला है आज के टॉपिक में। मैंने पूरा वर्कआउट किया हुआ है कि कहाँ से कौन सा परिंदा आया है और कहाँ से कौन सी म्यूटेशन ईजाद करी गई है। तो दोस्तों, बिल्कुल बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आज जो है मैं बिल्कुल आप लोगों को बोर नहीं करने वाला, किसी भी जो है वो डिजीज के बारे में नहीं बताने जा रहा। आज मैं बात करूंगा कि कौन सा परिंदा कहां से आया और कौन सी म्यूटेशन कहां पे जो है वो ईजाद करी गई, कहां पे जो है उसको तैयार किया गया। क्योंकि म्यूटेशन भी जो है वो जीन्स को डेवलप करके जो है आगे पीछे करके तैयार करी जाती है। और जो एग्जॉटिक बर्ड्स हैं जितने, वो सभी बर्ड जो है वो बाहर के हैं। तो कोई भी जो है वो बर्ड अपने देश का नहीं है, अपनी कंट्री का नहीं है, इंडिया का नहीं है इसमें। तो एग्जॉटिक बर्ड जो होते हैं वो सब ऑलमोस्ट बाहर के ही होते हैं, तैयार के होते हैं, ओरिजिनल ब्रीड नहीं होती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ये कौन सा परिंदा कहाँ से आया है। तो दोस्तों, बिल्कुल हमने इस पे पूरा जो है वर्कआउट किया हुआ है और सारा ही जो है वो आप लोगों के लिए काम किया हुआ है कि कौन कौन सा परिंदा कहाँ से आया हुआ है। तो दोस्तों, ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया कि हमारे सारे भाइयों को पता चल जाए कि जो हम लोग नाम लेते हैं इतने सारे बर्ड्स का, जो म्यूटेशन का हम लोग इतने ज्यादा नाम लेते हैं, वो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, बर्ड लवर को पता होना चाहिए कि कौन सी म्यूटेशन किस कंट्री से आई है और कौन सा परिंदा किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बटगरीगार की, मजरी जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो बटगरीगार की आज हम लोग बात करेंगे। बटगरीगार फ्रेंड्स आया है ऑस्ट्रेलिया से और ये जो है ऑस्ट्रेलिया का परिंदा है, ऑस्ट्रेलिया की जो है वो ईजाद करी हुई है। जो ओरिजिनल जो बटगरी हम लोग पालते हैं घरों में, ये वाइल्ड नहीं होते, ये तैयार किए हुए होते हैं। बट जो है जो वाइल्ड जो है वो बचीज होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और वो जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं। उनमें और इन ईजाद किए हुए परिंदों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ इस पे बात करेंगे कौन सा परिंदा और कौन सी म्यूटेशन कहां से है। तो बटगरीगार आया है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से। ज़ेब्रा फिंचेस ये आया है ऑस्ट्रेलिया से। देन जावा की अगर हम बात करेंगे तो ये आया है इंडोनेशिया से। देन उसके बाद कॉकटेल बहुत ही जो है वो पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, बहुत ही जो है वो पसंद किया जाने वाला परिंदा है और ये जो आया है ये भी ऑस्ट्रेलिया से आया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लव बर्ड की। बजरी के बाद अभी जो सिनेरियो आया है, लोग लव बर्ड को जो है वो धीरे धीरे पसंद करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लव बर्ड है ये आया है तंजानिया से, तंजानिया है साउथ अफ्रीका में, तंजानिया से ये लव बर्ड आया है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिंग नेक की। रिंग नेक जो है वो इंडिया का है, पाकिस्तान एंड नेपाल, इन तीन कंट्री से जो है वो रिंग नेक आया हुआ है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स ग्रे पैरट की। ग्रे पैरट भी जो है वो बड़ा जो है वो फेमिलियर होता जा रहा है बर्ड लवर के बीच में और लोग धीरे धीरे जो है वो ग्रे पैरट भी जो है पालना स्टार्ट करे हुए हैं। तो ये आया है अफ्रीका कांगो ब्राजील से। देन उसके बाद कॉकाटू भी जो है अगेन ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है। देन सेंटनूर की हम बात करेंगे, ये सुरीनेम से आया है। संकनूर जो है हम लोग अक्सर घरों में पालना शुरू करें, जिसके कई सारे म्यूटेशंस हैं, पाइनएपल कनूर है, संकनूर है, तो ये आया है सुरीनेम से। देन उसके बाद मकाओ एक बहुत ही जो है वो बेहतरीन और बड़ा ही खूबसूरत परिंदा है, थोड़ा सा ब्रीड लेने में टाइम लेता है और ये जो आया है ये आया है कोस्टारिका पैनामा से। देन अब हम लोग बात करेंगे एलेक्जेंडर की। एलेक्जेंडर आया है दोस्तों ग्रीस से। देन उसके बाद कनेरी बड़ा छोटा सा खूबसूरत परिंदा है, जैसा कि आप लोगों ने पिक में देखा होगा, ये आया है स्पेन से। देन अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सी म्यूटेशंस कहां से तैयार करी गई हैं, जो बटगरीगार की बजीज की जो बेसिक जो है, जो इतने सारे हम लोग जो नाम लेते हैं हॉलैंड बजीज और ये और वो, तो ये जो है कौन सी म्यूटेशन कहां से तैयार की गई है। ये अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपना काम किया है जीन्स के ऊपर और ये म्यूटेशन तैयार करी गई है। तो कौन सी म्यूटेशन कहां से तैयार की है वो हम आपको बताते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फेलो की। फेलो जो है बटगरीगार की एक म्यूटेशन है, बजरी की एक म्यूटेशन है और ये जो है इसको ईजाद किया है जर्मनी ने। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीसीबी की। टीसीबी बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, बहुत सारे फेंसर्स को नहीं मालूम जो न्यू फेंसर्स है। तो टीसीबी होता है टेक्सास क्लियर बॉडी और ये है टेक्सास क्लियर बॉडी, ये आया है यूएसए से। यूएसए ने इसको ईजाद किया हुआ है टीसीबी को।
देन अब हम लोग बात करेंगे एग्जीबिशन की। एग्जीबिशन को लोग जो है बहुत से शोबजीज कहते हैं, बहुत से हॉलैंड वजीज कहते हैं। एग्जीबिशन आया है इंग्लैंड से। देन अब हम लोग बात करेंगे होगोरोमो की। होगोरोमो जो है इसको कई सारे लोग जो है वो हेलीकॉप्टर भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग पिक में देख रहे होंगे। तो होगोरोमो आया है जापान से। देन अब हम लोग बात करेंगे लोटिनो कॉकटेल की। लोटिनो कॉकटेल फ्रेंड्स आया है जर्मनी से। जर्मनी ने जो है वो उसके जीन्स पे काम करके, लवर्ड के जीन्स पे काम करके लोटिनो जो है वो सॉरी कॉकटेल के जो है वो जीन्स पे काम करके और इसको जो है लोटिनो कॉकटेल ईजाद किया है जर्मनी ने। अब हम लोग बात करेंगे चारकोल कॉकटेल की। चारकोल कॉकटेल ईजाद किया है यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है इस पे काम किया, इसके जीन्स पे काम किया और एक चारकोल कॉकटेल जो है वो तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कलर्ड रिंगनेक की। कलर्ड रिंगनेक फ्रेंड्स जो है वो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो इतने सारे जो है वो रिंगनेक जो है वो तैयार किए गए हैं कलर्ड सारे, तो इन दो कंट्रीज ने इस पे काम किया हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मजा आया होगा और सीखने को भी मिला होगा कि कौन सा परिंदा कहां से आया है और कौन सी म्यूटेशन कहां से आई है। तो दोस्तों मेरे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो इनको जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।